नियम संगत जी फॉलो किया कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी होते हैं। गुरु जी कोई वहमों में नहीं हमें डालते हैं, पर अगर हम हर बात में गुरु जी का ही नाम लगा दें, गुरु जी ने तो ये नहीं करने को कहा, वो नहीं करने को कहा, तो ये भी गलत बात होती है। और गुरु जी ने वहमों में पढ़ने को मना किया है, स्टोन्स पहनने को मना किया है, एस्ट्रोलॉजी को मना किया है, पर गुरु जी के जो सत्संग में जो नियम होते हैं ना, वो बहुत जरूरी होते हैं। उन नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि ये 2 घंटे ये हमें पता नहीं कितनी सदियों के बाद मिलते हैं, कितने कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कौन से हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे, कोई अच्छे कर्म कहते हैं ना, किए होंगे मेरे कोई अच्छे कर्म जो मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। जिंदगी बीत जाती है संगत जी, पोथियां पढ़ते हुए, पाठ करते हुए, शिव पुराण, भागवत गीता, रामायण पाठ, सारे सुखमनी साहिब, 5 बानियों के पाठ, नित्यनेम करते हुए पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है। पढ़ते ही रहते हैं पर कोई ज्ञान नहीं मिलता, वो ज्ञान सिर्फ हमें गुरु देता है। और जैसे आंटी ने बोला कि ये चीजें जो गुरु जी ठीक कर रहे हैं, जैसे कि आज ही के सत्संग में कुछ हैं ऐसे लोग जो जिन्होंने कहा कि नहीं ये प्रसाद उन्हें नहीं पता होगा, तो गुरु जी ने अगर आपको यहाँ भेजा है, अगर आपके समझ लो मुंह में छाले हैं, अल्सर हो गया है, और गुरु जी ने आपको यहाँ तक क्यों बुलाया, क्योंकि आपको वो गर्मा गर्म दालचीनी वाली अदरक वाली चाय पिला के आपके मुंह के छाले ठीक करने हैं, जो कि हम सोचते हैं कि हम गर्म नहीं पियेंगे, मुंह में छाले अल्सर हो गया तो ठंडा अंडा पियेंगे, पर गुरु जी के दरबार में तो चाय प्रसाद मिलती है। और गुरु जी कैसे ठीक करते हैं, जैसे आंटी की शुगर ठीक की, अभी कुछ टाइम पहले का ही सत्संग है, तो मेरे अंकल को भी ऐसे ही शुगर पता चला कि उनको शुगर हो गई है, तो उनकी हेरिडिटरी सबको हो जाती है, घर में 2-3 भाइयों को है। तो फिर उसके बाद ना वो परहेज करने लगे, और उसके बाद वो अपना उन्होंने डॉक्टर को दिखाने का सोचा कि भाई ज्यादा हो रही है तो मैं दिखा लेता हूँ। उसी दिन मैंने आधी रात को, मुझे गुरुजी ने 3:30 बजे, मैं सोई नहीं थी, मुझे एक सत्संग सुनवाया, मुझे नाम भी याद नहीं है, मैंने कभी उनका नाम भी नहीं सुना। वो गुरुजी के पुरानी संगत थी, उन्होंने अपने सत्संग में सुनाया कि उनके किसी रिलेटिव को 85 ईयर की थी और उनको 35 साल से इंसुलिन लगाते थे, वो जब वो 50 की थी तब से उनको इंसुलिन लगता था, और वो इंसुलिन के बिना नहीं रहते थे, पर वो गुरुजी के जो प्रसाद होता है ना वो नहीं खाती थी, और सब कुछ करती थी कि मैं नहीं खाऊंगी, लंगर इसमें मीठा है, इसमें हलवा है, इसमें लड्डू है, मैं नहीं खाऊंगी। तो गुरुजी की लीला, अब गुरुजी जिद्दी लोगों की भी परीक्षा लेते हैं, जो ज्यादा जिद में आ जाते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं तू कर ले पहले जिद, फिर मैं तेनु ब्लेस करूंगा। तो गुरुजी ने उनको टाइम आया, जब उनका जब वो 85 ईयर की हुई, तो जो उनके साथ जाती है वो वहां पे कहती चल अब मैं चली जाती हूँ मंदिर में। तो जब वो मंदिर जाती है ना, तो गुरुजी ने ना उनको ना बड़े बड़े बूंदी के लड्डू, ना 5 लड्डू उनको दिए, और उनको बोला ये सारे तुम ही ने खाने हैं। अब वो तो पहले ही घबराई हुई थी, गुरुजी तो मीठा खिलाते हैं, अब गुरुजी तो कहते ना गुरुजी के मतलब जहर को जहर ही काटता है, गुरुजी मीठा खिला के ही शुगर ठीक करते हैं, गुरुजी मिर्चे खिला के कैंसर ठीक करते हैं, गुरुजी मिर्चे गरम गरम चीज खिला के आपका अल्सर ठीक करते हैं। तो गुरुजी ने उनको लड्डू दिए और आंटी ने जरा सा खाया और पुड़िया में लपेट के पर्स में रख लिया। अब गुरुजी तो अंतर्यामी है, जानी जान है, उन्होंने कहा भाई दोबारा वो जब मत्था टेकने आई तो गुरुजी ने कहा खादा नहीं प्रसाद, कह रहे आपको कैसे पता, कह रहे तू खा निकाल के मेरे सामने बैठ के खा। आंटी बहुत घबराई, जो उनको अंकल लेके आए थे उन्होंने भी कहा तो गड़बड़ हो गई, आज तो पहली बार इनको लाया हूं, शूटअप हो जाएगी इनकी तो शुगर। अब उन्होंने 5 के 5 लड्डू, गुरुजी ने कहा चाहे तुम्हें 2 घंटे लगे तुम्हें यहाँ बैठ के खाने ही पड़ेंगे। धीरे धीरे करके आंटी ने मन मार के वो 5 के 5 लड्डू जैसे करके खाए, और उनको लंगर प्रसाद नहीं खाया गया, लड्डू खाए उन्होंने सिर्फ। उसके बाद वो घर चली गई, तो अब वो घबराई तो हुई थी, उन्होंने कहा मैं सुबह होते ही मैं पहले शुगर टेस्ट करूंगी। और जो संगत जी जो इतने टाइम से इंसुलिन ले रही थी और जिनको शुगर इतनी हाई रहती थी, जब उन्होंने नेक्स्ट डे अपनी शुगर टेस्ट कराई तो उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ गई। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से कराई, फिर नॉर्मल आती गई। तो उसके बाद ना उन्होंने गुरुजी के संगत ने बोला कि अब आप इंसुलिन लगानी बंद कर दो, 85 ईयर के बाद कौन इंसुलिन बंद करता है, उन्होंने इंसुलिन लगाना बंद कर दिया। मैं ये सत्संग सुन रही थी और मैंने सुबह उठ के अमृत वेला के बाद जब मैं करके सोने लगती हूँ, तो मैंने अपने अंकल को ना ये सत्संग एज इट इज ऐसे ही सुना दिया। मैंने कहा चलो
पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग किसको सुनने से कभी मिल जाती है, कौन सा आंसर मिलता है। ये नहीं कि हम रोज सत्संग में जाते हैं तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, हमें भी बहुत सारे आंसर चाहिए होते हैं, हमें भी गुरुजी सुनवाते हैं कभी कभी, किसी का सत्संग अचानक सुनवाते हैं। और जो सत्संग मैंने सुना था ना, वो पहले का मुझे 40 मिनट का नहीं सुनवाया गुरुजी ने, वो मुझे लड्डू वाली बात से ही सुनवाया। मैंने अपने अंकल को सुना दिया। अब मेरे अंकल भी बहुत अब बिलीव करते हैं गुरुजी पे, पहले नहीं इतना करते थे, और उनको मीठे का शौक भी है। उसी दिन का हमारा बड़े मंदिर का पास बुक था, उस दिन मंडे था। अब मंडे को आपको पता है वहां समोसा और लड्डू मिलता है और बाकी दिन लंगर प्रसाद मिलता है। तो मैंने बोला अपने अंकल को कि अब आपको लड्डू मिलेगा, चलो एक लड्डू मिलेगा, खा लेना, समोसा भी खा लेना, क्या पता गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करें। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी ने उस दिन समोसा नहीं दिया और हमारे डिब्बे में चार चार लड्डू। अब मैंने तो अपना प्रसाद रख दिया क्योंकि मैं इतना मीठा नहीं खाती, मैंने कहा धीरे धीरे खाऊंगी, थोड़ा आज थोड़ा कल। और जब तक मैं मंदिर से वापस आके बैठी और मेरे अंकल चारों लड्डू खा गए, हाय रब्बा। मैंने कहा गुरुजी मैंने आज ही आपको इनको सत्संग सुनाया, पांच लड्डू वाला, मैंने इनको कहा आपके लड्डू खाए, कहते मैंने सारे खा लिए। भाई मैंने कहा एक खाते, दो खाते, चार खा गए। मैं कह शिवलिंग की तरफ देखा, मैं कह गुरुजी क्या पता आज इनकी आप शुगर ठीक कर देना। और उसी दिन उसके नेक्स्ट डे ना अंकल की बहुत बड़े डॉक्टर से मेरे देवर ने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, और जबकि उनकी उस दिन सुबह शुगर बहुत ज्यादा थी, और जब अगले दिन वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा दोबारा टेस्ट करता हूँ, तो उनकी शुगर ना नॉर्मल आई एकदम से। डॉक्टर ने कहा फिर भी आपकी इतने दिन से चल रही है, आपको दवाई तो खानी पड़ेगी। उन्होंने नहीं बताया कि मैंने लड्डू खाया, ना उन्होंने किसी को ये बात शेयर की, क्योंकि हर कोई बिलीव नहीं करता इतनी जल्दी, भाई को भी नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन देनी शुरू कर दी और उन्होंने दो गोली खानी शुरू करी, और फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद उन्होंने एक गोली खाई। और गुरुजी ने मुझे उसी दिन मुझे एक उपाय बताया, मैं आप सबसे भी शेयर करती हूँ, आयुर्वेदिक उपाय था, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था शुगर के लिए, और मैंने उसी दिन से उनको देना वो भी नेक्स्ट डे से शुरू कर दिया था। उसमें था कि सुबह उठ के खाली पेट कड़ी पत्ता की जो लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स एक चम्मच, और मेथी दाना बारीक वाला एक चम्मच, और दालचीनी का पाउडर एक चम्मच, इसको पानी में उबाले दे के पानी को छान के गरम गरम खाली पेट पिला दो। मैंने वो भी शुरू कर दिया और एक चम्मच उनको अलसी का पाउडर भी देना शुरू कर दिया, चलो वेट लॉस भी हो जाएगा। अच्छा, उधर से उनके दिमाग में देखो क्या क्या चल रहा था, उन्होंने घी का पानी भी पीना शुरू कर दिया, उसमें लहसुन आंवला डाल के, कि चलो मेरा बीपी भी ठीक रहेगा। सारी चीजें गुरुजी ने मिलाई, पर ब्लेसिंग कहां से मिली, उन चार लड्डुओं से। और अभी थोड़े ही दिन, एक महीना ही हुआ उन्हें दवाई खाते हुए, उन्होंने शुगर की गोली खानी बंद कर दी है एक महीने के अंदर। और रोज आना, अब एक दिन आइसक्रीम खा लेते हैं तो फिर बेटा कहता है कि अरे पापा बस ये इतना मत खाओ, कह रहे कुछ नहीं मैं तो रात को कटोरी भर के आइसक्रीम का, सवेरे तो मेरी 116 थी। हमने कहा बस इतना मत करो, भी धीरे धीरे करो, सैड पके सो मीठा हो। तो गुरुजी ऐसे हैं कि जिन जो भी आप अभी मुझे नहीं पता यहाँ आंटी इधर चली गई है, कौन सी थी, चाय नहीं पी रहे थे, मैंने उनको बोला कि आप गरम गरम जब चाय पियोगे तभी आपके मुंह के छाले ठीक होंगे। और शंकर जी ऐसे गुरुजी ने कैंसर ठीक किया है, इतना डायलिसिस बंद करा दिया है, लोगों को 3 महीने से डायलिसिस हो रही थी और उनको यूरिन नहीं पास हो रहा था, जल प्रसाद और गुरुजी का लंगर प्रसाद। जो भी, ऐसा नहीं कि आप मंदिर नहीं जा पाए हैं, मंदिर नहीं जा रहे, सत्संग में बैठे हो, जो भी आपको यहाँ लंगर प्रसाद मिलता है वो उसमें गुरुजी की अपार ब्लेसिंग होती है, और वो गुरुजी की मेडिसिन होती है, दवाई होती है, क्योंकि गुरुजी हमारे जज हैं, गुरुजी हमारे वकील हैं, गुरुजी हमारे प्रिंसिपल हैं, वही हमारे टीचर हैं, वही हमारे डॉक्टर भी हैं। सबसे पहले तो वो डॉक्टर हैं। सबसे पहले जब आप गुरु से जुड़ते हो, ये हमारे जो जय गुरुजी से जब आप जुड़ जाते हो संगत जी, सबसे पहले आप कुछ भी मांग लो, पैसे मांग लो, धन मांगो, बिजनेस मांगो, नौकरी मांगो, बच्चे मांगो, शादी मांगो, गुरुजी उसको कुछ नहीं देते। सबसे पहले गुरुजी आपको हेल्थ देते हैं। आपको हेल्थ जब बख्शते हैं, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकलेगी, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जब आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो नेचुरली आप काम अच्छा कर पाओगे, आप माइंड सेट कर पाओगे, पॉजिटिव रह पाओगे, बिजनेस अच्छे से कर पाओगे, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। जो लोग किच-किच में रहते हैं, उनके काम नहीं चलते हैं, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, स्टाफ के ऊपर भड़कते हैं, बॉस के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम गुरुजी उनकी पहले हेल्थ को ठीक करते हैं।
और उसके बाद गुरुजी उसके अहम को खत्म करते हैं, फिर गुरुजी उसकी सारी नेगेटिविटी को निकालते हैं, फिर गुरुजी उसके साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं और लास्ट में आपको मनी देते हैं। क्योंकि मनी क्या है, वो तो हाथ की मैल है, आज पहले दे देंगे और आपका हेल्थ ही आपकी सही नहीं है, उसका क्या फायदा। आपको पैसा दे दिया आपने मांगा और आप बिस्तर पे पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपना स्वास्थ्य मांगो, अपने गुरु से अपना स्वास्थ्य मांगिए कि हमें हम स्वस्थ रखो, हमें हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हम खाना अच्छे मन से बना पाएंगे, हम घर को अच्छे चलाएंगे। जितना भी आप पॉजिटिव रहोगे ना, उतना ही गुरु जी खुश होते हैं। और बहुत सारे सत्संग है, मैं भी इतना नहीं शेयर कर सकती। आंटी के ब्रदर का आज बर्थडे भी है, थोड़ा केक कटिंग होगा, थोड़ा डांस भी होगा, लेकिन जैसे आपने इतने अच्छे से चुपचाप बैठ के सत्संग सुना 2 घंटे का लिव लगाकर, कोई डिस्टर्ब नहीं हुए ना किसी को किया, ये आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी।